घुमाएंगे घुमाएंगे क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? वेलकम शफी कासिम का ब्लॉग में, और गाड़ी चला रहे हैं। पहुँचा तो मैंने पहुँच ही चालू किया, देखो फिर भी बोलते पहुँचो, फिर कोई बात नहीं बोल दिया। आज हम निकले हैं बम्बई, क्योंकि बम्बई जा रहे हैं थोड़ा काम से, उसके बाद मैं जानू को छोड़ने जाऊंगी एयरपोर्ट। आज जानू जा रहे हैं मुझको छोड़ के कहीं बाहर प्लेन से, यार। कोई नहीं, दिखाती हूँ। आज का हमारा जर्नी शुरू हो गया है, खैर बम्बई जा रहे हैं। फिलहाल किसके लिए जा रहे हैं वहाँ जा करके देखेंगे क्या है क्या नहीं, फिर आपको डिटेल में बताएंगे। तो खैर हम पहुँचे किधर जानू? देखो वानखड़े स्टेडियम, जानू का फेवरेट, तो इनको देखनी है मैच, तो इनके लिए टिकट का पक्का पता करने आए हैं कि किधर मिलेगी कहाँ मिलेगी। अभी भेजने हैं किधर अपने को, कौन सा है CCI क्लब, तो चलो वहाँ चल के देखते हैं फटाफट। गाड़ी पे निकालो पहले, गाड़ी जल्दी। तो यहाँ टिकट के लिए परेशान हो रहे बेचारे ये भाई लोग, भी परेशान हो रहे। यहाँ ब्लैक में टिकट मिल रही है, ऐसे नहीं मिलेगी। क्या करते हैं लोग, खरीद लेते हैं, फिर पर टिकट जो 1000-2000 की होती है उसको 10-10 हज़ार में बेचते हैं। पर क्या करेंगे, अभी मजबूरी है। ये मेरे को बोलते हैं बोलो मत बोल के, 10 हज़ार बहुत बड़ी बात है। अब जिनके पास होता है वो दे के ले लेते हैं शौक वाले, अपने जैसे फिर भटकेंगे इधर उधर, क्या करेंगे, ढूंढेंगे, मिली तो नसीब, नहीं मिली तो देखते हैं। चलो आए थे यहाँ द क्रिकेट क्लब, जहाँ टिकट मिलती है। ये यहाँ से घूम के जाओ, हाँ 10 नंबर गेट CCI का। चलो शायद चलो चलते हैं, 10 नंबर टिकट पूछ लो, कोई भी बताए। घुमाएंगे घुमाएंगे, क्या बोलते जानू भाई? बहुत मचमच है टिकट का यार, बहुत मचमच। ऑनलाइन में निकाला तो बोलते हैं फिजिकल टिकट की है भाई, ऑनलाइन में 30 हज़ार दिख रहा है। हाँ 30 हज़ार लास्ट की टिकट नहीं हो गई है, घर का रेंट हो गया है। जैसा हम एक महीना रहते हैं 10 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार 20 हज़ार देते हैं, ये एक दिन की कितने घंटे की जानू? ये दोपहर से 2 के रात के 11 तक, ये दोपहर 2 से रात के 11 बजे तक का एक दिन का पैसा है। चलो 10 नंबर गेट देखते हैं, गेट नंबर 5 ये है। अच्छा दिख गया, चलो अच्छा दिख ही चला है, 10 नंबर पे जाने का है ना। तो इधर है, इधर पहुंच गए, इधर है टिकट गेट, देखे लाइन ना बराबर, बोलते झूठ वाला फंसाया। अभी इधर है ना, गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ खड़े बॉक्स ऑफिस के पास ही, पर कुछ एक्चुअली पता तो चल गया बॉक्स ऑफिस यहाँ है, पर कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है, सिर्फ छप्पर है। हाँ तो आज एक नया एक्सपीरियंस मिला इनके मैच के चलते, कि यहाँ पे 1000 वाले टिकट आपको 8 हज़ार में मिलेंगे, 3500 वाले टिकट 15 हज़ार में मिलेंगे, और कितने वाले जानू जो उससे ऊपर के 4-4.5 हज़ार वाले टिकट से या 5 हज़ार वाले, वो आपको 25-30 हज़ार में मिलेंगे। वाह क्या कमाई है यार, मैं सोच रही हूँ अगले साल से मैं भी पहला आके 5 दिन पहले आके जानू ढेर सारी टिकट लूँ और ऐसी मैं भी बेचूँ। इंशाल्लाह मैच खत्म होते होते घर जरूर हो जाएगा मेरा। अरे अल्लाह, ये मालूम कैसा है, ये मजबूरी का फायदा, जो लोग दीवाने हैं मेरे जानू के जैसे, ये सब स्टेडियम वाले भी और काउंटर वाले सब मिले, सभी लोग मिले हुए, लोग खुद ही जानबूझ करके बाहर ब्लैक में सोल्ड करवाते, क्योंकि आम इंसान को इतना टाइम नहीं है कि इतना पैसा हाथ में रहे कि इतने दिन टिकट खरीदे और इतने में ब्लैक करे, ये सब इन्हीं के लोग रहते। कई टाइम से यहाँ भटक रहे हैं रोड पे, पुलिस वाले बहुत है, पूरा खाली हो गया, खाली करवाया गया लगता। हाँ जानू बहुत परेशान हो गए यार, सही में ऐसा लग रहा है जैसे टिकट नहीं हो गई है जिंदगी हो गई है क्या और मुझे सब पुलिस वाले देख कर के असल में वीडियो बना रही हूँ, मुस्कुरा रहे। खैर कोई नहीं, चलो अब यहाँ से जाना है जानू को छोड़ने एयरपोर्ट, देखते हैं कहाँ जाते हैं। मैच देखने कहीं और जा रहे हो क्या? नहीं अब जा रहे, देखते हैं अभी, और सीधा दुबई जाऊँगा मैच देखने। दुबई जा रहे हो? दुबई में मैच होनी रही और ये दुबई जा रहे हैं, चलो इनको छोड़ कर ही आती हूँ आज फाइनली। ये जो गाड़ी वाली अंबानी हाउस, ओ माय गॉड इतना भारी, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं इसके ऊपर है वैसी रखा है। हेलीकॉप्टर रुकी है ऊपर, क्या बात कर रहे हो? हां इधर ऊपर बना रहा है तो ऊपर, हां हेलीकॉप्टर रुका है, हेलीकॉप्टर रुका है, क्या बनाए हैं ये, मैंने तो समझ के
कुमार अंबानियों ने। वाओ व्हाट अ हार्ड, इतना भारी है। हाँ यार बहुत भारी है अंबानियों का घर सही में। इतने तो लोग होंगे भी नहीं जितना बड़ा घर है वो। ऑफिस ऑफिस सब एक साथ ही है क्या? नहीं खाली घर है। खाली घर इतना बड़ा है। वाओ हाजी अली का उरुस है जानू। हाँ पब्लिक बहुत है भरपूर। शाम को देखेंगे अगर मौका मिला तो आएंगे। है ना? हाँ आगे और हालत खराब हुई बारिश में बहुत ज्यादा, पर खैर कोई बात नहीं। चलो अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम हो मेरे को हाजी अली आए हुए। मैं खुद नहीं इतना साल नहीं हुआ अपने को। पाँच साल। चलो कोई नहीं, डब्बा लेकर के खड़े हैं अंकल हाथ में। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए हल्का सा ब्रेक लेने के लिए रुके छोटा सी, पर बहुत दिल दुखा यार आज ये चीज़ देख के। इंटरनेशनल मतलब हमारा जो गेम है, जो हमारा भारतीय गेम है, उसको छोड़ के हम एक ऐसे गेम के इतने दीवाने हैं जिसके लिए लोग इतना फ़ायदा उठाते हैं। सिर्फ एक बार अगर आप लोग ऐसा करेंगे ना कि हम घर से ही मैच देखें और कोई भी टिकट ना खरीदे, तो ना ब्लैक में इतनी बिकेगी और ना ही, अरे सब देखने जाएंगे, प्लेट ना ही उसके उस पे टिकट काउंटर पे इतनी बिकेगी। तो वही तो बोल रही हूँ, क्रेज रखो लेकिन एक बार सामने वाले को बायकॉट करने बोले, कोई बायकॉट कर रहा फिर भी तुम खा रहे ना। अरे कौन, अपन नहीं खा रहे ना, अपन पी भी नहीं रहे ना। बाकी तो ऐसा ही है, जब बोलते ना बूंद बूंद से सागर बनती है, जब थोड़े थोड़े ये करने लगेंगे, आधा भरा दिखेगा आधा खाली दिखेगा ना, तो फिर उन लोग भी ना कुछ ना कुछ करके करेंगे। काबे के सामने तो, उमरा के सामने तो फायदा क्या है बायकॉट करके? नहीं भाई अपने तो लगा लगे खा रहे, अपन तो किए हैं। चलो अभी जाते हैं, भूख लग रही है, खाते हैं इंडियन फूड। हाँ चलो, तो ये हम पहुँचने वाले हैं, एयरपोर्ट पहुँच गए हैं ना जानू। हाँ चलो पहुँच गए। जल्दी जानू वक्त आ गया, चलो जल्दी जल्दी भेज दूँ तुमको। हाँ क्या बोलते, आएगा आएगा एक दिन तुम्हारा भी वक्त आएगा, चलो जल्दी जल्दी। जल्दी हम लोग पहुँच चुके हैं टर्मिनल 2 की तरफ, और यहाँ पे देखो जा रहे हैं। किधर जाने का? हाँ कहाँ जाने का, कहाँ जाने का, कहाँ जाने का? सीधा हाथ खोल के भागता हूँ अंदर, ये सीधा प्लेन के अंदर है ना, उसको हाथ खोल के ये भागो। और यहाँ का सीन, यहाँ का सीन बोले तो बहुत भारी सीन है कि नहीं आशीर्वाद? तो भाई ये है एयरपोर्ट का गेट नंबर 2। 1 तो उधर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अरे बाप रे इतना सारे। और यहाँ पे लोग सब जा रहे हैं आज, क्या बोलते हैं, कोई ऐसा हर कोई यहाँ पे अपने बेटे को, कोई परिवार को कोई छोड़ने आया है। हाँ, सब रो रहे ना। अरे तो ये 5 नंबर है, पापा की बेटी यहाँ से जाने वाली है अभी, ये देखो ये वाली लाइन से। चलो मत रो यार, हमारा पापा यहाँ दिखाओ, हमारा यहाँ दिखाओ, पापा की बेटी तो वहाँ जा रही है भागवत। वहाँ जा रहे हो तो लो अंदर गए हैं अंदर, और मैं यहाँ घूम रहा हूँ और लिया हूँ पानी की बॉटल, बहुत मस्त वाली है। चलो चलते अंदर। और ये गाइस पानी की बॉटल है 110 रुपये की, बहुत महंगी है क्योंकि प्यास बहुत लग रही थी आशीर्वाद को, मेरे को आपा को, तो मतलब लेना ज़रूरी है। तो शायद अभी 20-25 मिनट अभी यहाँ और जाएगा, और कंट्रोल नहीं हो रहा था, बहुत तेज़ प्यास लगी थी, हमने ले लिया हटाओ। चलो चलते हैं 5 नंबर पर। ये एयरपोर्ट का सीन है, वहाँ पर शायद प्लेन व्लेन उड़ती है, और यहाँ नीचे का सीन है देखो मस्त, और यहाँ आपा लोग खड़े हैं। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं, तुम तो यहाँ से जाओ, हमको वहाँ से आना पड़ेगा। तो हम लोग आए हैं, हमारे भाई की एक शॉप है जिसका नाम है सेकंड कप, है ना? तो देखो बाकी भाई पीने के बाद बबल निकलता है कि पीने से पहले, बाकी सब चीजें प्रोग्राम बायकॉट है, स्टारबक्स सब कैफे वैफे में, तो हम लोग इंडियन इंडियन एंड हलाल। हाँ और अपने भाई की शॉप है कि नहीं भाई? और यहाँ आसिफा के लिए बन रहे वाटरमेलन मोहितो, तो यहाँ लिखे हैं आसिफा का नाम। और हम लोग बुलाए हैं सादिया को, मतलब सादिया क्या पीगी, सादिया पहली बार, सादिया को गर्म पानी दे दो बाल के अंदर, पहली बार पी रही है। हम लोग बहुत देर से वेट किए, मतलब बहुत टाइम आपके 2 कस्टमर चले भी गए मालूम।
मैं बोला अभी आ जाएंगे लोग, फिर भी नहीं रुके, लोग चले गए। तो इसको तो मिल गया देखो, ओहो सही है। मेरी कॉफी है ये देखो, और ध्यान से देखो ये स्टारबक्स नहीं है, मैं तो फिर भी बोलेंगे स्टारबक्स। अपन इतने नसीब वाले नहीं है यार, स्टारबक्स पीएंगे तो नहीं कॉफी, छोटे लोग हैं, छोटी कॉफी भी देगी नहीं सभी। तो फाइनली हम लोग ने पी लिए, देखो सादिया, शफीक, आसिफा, फरहान, मजा आएगी नहीं फरहान? अच्छा था ना? तो ये भाई की शॉप है यहाँ पे सामने, डीमार्ट के सामने, जस्ट गोरेगांव में, देखो मेट्रो के नीचे। सादिया है कि नहीं? सेकंड कप नाम इधर हटो, देखो कैपेचिनो, हटो इधर, हट जाओ फरहान, ये देखो रेस्टोरेंट का कॉफी एकदम मस्त भाई की, वहाँ पे वो भी इससे बेस्ट है कि नहीं आसिफा? हाँ बायकॉट नहीं है गाइस, ये बायकॉट नहीं है, देखो क्या है, इंडियन है ना, इंडियन ब्रांड है, इंडियन के हाथ से, खुद का ब्रांड, खुद का कंपनी है, अपना कंपनी लो गाइस। फाइनली क्या बोलते हो, क्या बताएंगे कल की कहानी बताओ? कल हम लोग व्लॉग एंड करना भूल गए थे, इसलिए आज व्लॉग कर रहे थे। हाँ, और आसिफा गए थे टिकट के बताओ ना जरा, परसों का क्या हुआ था? तो ये इसकी याद थोड़ी कमजोर हो गई, कल जाया याद आया मुझे, रात को मैंने इतना सर फोड़ा, इतना तो मुझे याद है। क्या लगी थी हम लोग की नोक चोक, अपना गुस्से में तो तर मारी थी दीवार में, तो इस वजह से लापा भी मारी थी ना, तो अंगूठी लगी थी। इनको मार ला, इसको नहीं मारी थी। हाँ बराबर, छोड़ो। अच्छा अभी याद आया, ये कल का व्लॉग है। हाँ तो हम लोग गए थे एक्चुअली टिकट का पता करने के लिए, तो टिकट का कुछ पता नहीं चला, बहुत महंगा महंगा टिकट बोल रहे थे, तो मैं बोला जान दो नेक्स्ट डे जाऊँगा, पता कर लूँगा क्या है। तो वहाँ से आपा का फ़ोन आया था, आपा की बेटी जा रही थी, आपा की बेटी जा रही है सऊदी, तो मतलब उनका हस्बैंड वहीं रहता है, तो वहीं शिफ्ट हो गई है, तो उनका हम छोड़ने गए थे ऐसा है ना दोस्तों। और उसके बाद गए भांजी लोग से मिले, कॉफ़ी भी पिए, फिर हम लोग वहाँ से आए थके हारे थे, खाए पिए, पिच हुई, सो गए, फिर मैं नेक्स्ट डे भी जाऊँ, नेक्स्ट डे। हाँ सर क्या बोलते हो? तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, अपना पेज बनाए रखो, और इंशाल्लाह अगले साल से मैं भी टिकट ही बेचूंगी इसकी स्टेडियम की, वहाँ खड़े की स्पेशली। इंशाल्लाह उस 10 दिन में दिन खत्म हुए हुए तक मेरा एक घर जरूर हो जाएगा। देखिए चलो मिलते, अल्लाह हाफिज है, मिलना हमको वापिस है, चिंगम खाओ चबा के, और आप लोगों को शायद दो ब्लॉग मिलेगा, इसके बाद एक ब्लॉग और मिल जाएगा जल्दी शाम को, ठीक है? तो देख लेना याद से, और अच्छे से देखना पूरा ब्लॉग, ठीक है? मिस मत करो, ठीक है? और हम लोग के पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा ब्लॉग है ना, इस वजह से हमारा ब्लॉग एक लेट आ रहा है इसकी वजह से, ठीक है? तो ये वाला रुक जा बेटा जरा 2 मिनट, तो ये वाला जो ब्लॉग है कितने तारीख का दोस्तों? 1 तारीख, ये वाला ब्लॉग 1 तारीख का है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग एक ब्लॉग एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है? तो आज 3 तारीख खत्म हुई है, नहीं 3 तारीख लगी है, तो यार प्यार सपोर्ट बनाए रखें, आज पूरा ब्लॉग देखें और सपोर्ट करें, ठीक है? बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।